चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई किए जाने की जानकारी सोमवार को आयोजित एक समारोह के दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति पर 80,000 रुपए का चालान है, जिसे ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। शहर में आए दिन कई लोगों द्वारा ट्रैफिक नियमों को सरेआम तोड़ा जाता है, जिसके बाद उन पर चालान कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि कुछ लोग कार्रवाई का पालन करते हुए चालान भरते हैं, वहीं कुछ लोग चालान भरते नहीं है। अब ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अपील की कि जल्द से जल्द इन चालानों को भर दे, अन्यथा पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को आयोजित एक समारोह के दौरान वे बोल रही थी। इस वक्त उन्होंने आगे कहा कि शहर में 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चालान नहीं भरे हैं, जिन पर कार्रवाई करने की उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि 26,000 लोगों को इस संबंध में लीगल नोटिस भेजे गए हैं। करीब 5,00,000 मोटर वाहन चालान है पिछले 4-5 साल के, जो की पेमेंट लोगों ने फाइन का नहीं किया है। हम ये मुहिम आज से शुरू किए हैं शहर में, और हमने लीगल नोटिसेज कुछ 26,000 लोगों को मोबाइल फोन्स पे लिंक्स भेज के किए हैं। हमारी आश्वासन, हमारी विनंती रहेगी, जो भी फेसबुक लाइव में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐप पे चेक करें, महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ऐप है, उस पे चेक करें। अगर आपकी गाड़ी पे पेंडिंग चालान्स हैं तो कृपया करके पेमेंट करें, अन्यथा रास्ते पे जब पकड़ी जाएगी तो गाड़ी शायद आपकी डिटेन भी हो सकती है। इस अड़चन से बचने के लिए अगर आप फाइन्स पेमेंट करेंगे, फाइन्स पेमेंट करने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम कुछ वो अपनी तिजोरी भरना चाहते, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि डिटरेंस होना चाहिए कि लोग अगर उल्लंघन करेंगे तो फाइन देना पड़ेगा, और फाइन का अमाउंट कभी कभी सब्सटैंशियल होता है। एक किसी गाड़ी पे आज 80,000 का चालान है जिसको हम अभी खोज रहे हैं, तो लोग चालान पेमेंट कर दे और आगे वायलेशन नहीं करें, यही हमारी अपेक्षा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि पुलिस द्वारा चालान अपनी तिजोरी भरने के उद्देश्य से लिया जाता है, उनको उत्तर देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि ये कार्रवाई हमारी तिजोरी भरने के लिए नहीं की जा रही, नियमों का उल्लंघन ना हो इस उद्देश्य से ये कार्रवाई की जाने की बात उन्होंने कही। इस वक्त उन्होंने ये भी बताया कि एक व्यक्ति पर 80,000 रुपए का चालान है, जिसे ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।